जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस एक विश्व संकट के तौर पर उभर कर आ गया है और इसने बहुत ज्यादा इस टाइम पर हम सभी को प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। इसने विश्व में हाहाकार मचा दिया है। तो नोनी जी ने दोस्तों इस पर एक छोटी सी पैरोडी लिखी है, जो आज हम आपको उस पैरोडी के माध्यम से कहीं ना कहीं बताएंगे कि आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। और बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। छींकते खांसते रुमाल ना रखा, जिसने बिना हाथ धोए खाना है चखा। छींकते खांसते रुमाल ना रखा, जिसने बिना हाथ धोए खाना है चखा। कोरोना की चपेट में आओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। थोड़े दिन को घर में खुद को कैद कर लो, प्रत्यक्ष संपर्क भी कम ही कर लो। थोड़े दिन को घर में खुद को कैद कर लो, प्रत्यक्ष संपर्क भी कम ही कर लो। सफाई अपनाओगे तभी बच पाओगे, कोरोना भगाओगे, कोरोना भगाओगे। और बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आइसोलेशन में अगर जाना नहीं है, मीट मांस तुमको अभी खाना नहीं है। आइसोलेशन में अगर जाना नहीं है, मीट मांस तुमको अभी खाना नहीं है। शाकाहार को ही घर अपनाओगे तब सुख पाओगे, तब सुख पाओगे। बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चीन के हथियार को आओ मात दे, कोविड से जंग में सबका साथ दे। चीन के हथियार को आओ मात दे, कोविड के जंग में सबका साथ दे। शंख बजाओगे पवन ध्वनि लाओगे, तभी विजय पाओगे, तभी विजय पाओगे। बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जागरूक होने का वक्त है चला, अग्निदाह अपनाने विश्व है चला। जागरूक होने का वक्त हो चला, अग्निदाह अपनाने विश्व है चला। संस्कृति अपनी को घर बचाओगे तभी सुख पाओगे, तभी सुख पाओगे। और बिना मास्क के भीड़ में जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो दोस्तों आपको ये हमारी पैरोडी कैसी लगी? हमने गंभीर मुद्दे को एक हास्य के रूप में आप लोगों के सामने परोसा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वैसे हम कोई कलाकार तो नहीं है, लेकिन नोनी जी ने तो लिखा है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा लिखा और काफी इन्होंने बिगाड़ा है। मैंने लिखा है, इन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ा है, मेरे ध्वनि को दबाया है, खराब किया है, ड्रामे वाली एक्टिंग करी है, लेकिन फिर भी चलो क्या करो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि लोग इस गंभीरता में भी अपना मुस्कुराना ना छोड़े। और शेयर करो हमारे चैनल को जितना भी आप अपने दोस्तों तक कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पैरोडी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।